पहाड़ी इलाकों में जारी लगातार बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड में लोग सिहर उठे हैं। पखवाड़े भर से धूप के साथ आंख मिचौली खेल रही ठंड अब प्रचंड होती जा रही है। दिसंबर के शुरुआती दिनों में अपनी कमजोर स्थिति दर्ज कराने वाले कोहरे ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। वही कोहरे की आक्रामकता के आगे अब धूप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। गलन के साथ लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा इतना कि कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल रहा गोरखपुर का, जहां तापमान में गिरावट आने के साथ कोहरे और धुंध में लोगों को परेशान कर दिया है। जिले में सुबह के वक्त विजिबिलिटी जीरो के बराबर रही, दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटा। दरअसल दिसंबर का महीना आधा बीतने के बावजूद भी दिन के तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। दिन का तापमान अपने सामान्य औसत तापमान के आसपास ही रह रहा था, लेकिन हाल के दिनों में दोपहर तक कोहरा छाए रहने की वजह से न सिर्फ दिन के तापमान में गिरावट आई बल्कि पूरे दिन गलन महसूस होती रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में बीते दो दिनों से ठंड ज्यादा बढ़ गई है, गलन की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं। उधर कोहरा ज्यादा होने के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर है। दोपहर तक निकलने वाली धूप से भी लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल रही है। दो तीन घंटे तक विजिबिलिटी बहुत कम रही तो कोहरे का असर तो समाप्त हो गया, धूप में बहुत ज्यादा तेजी नहीं रही। किसी भी रूप में लगभग रात भर रही, आज सवेरे भी कोहरा, हम लोग टहलने आए हैं तो कोहरा था, विजिबिलिटी थोड़ी डाउन थी। अब ठंड से बचने के लिए तो सारे उपाय वही हैं जो आम लोग अख्तियार करते हैं, जैसे हर आदमी तीन लेयर में कपड़े पहनता है तो हम लोग भी पहनते हैं। स्कूल में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस समय दो दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुबह ज़्यादातर फॉग जो है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घना है, कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। गलन भी दो दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। गलन विजुअलिटी की बात करें तो विजुअलिटी ऐसा है कि कहीं कहीं पर 10 मीटर आगे भी नहीं देख सकते हैं, कहीं कहीं पर शहर में कहीं दिख रहा है, जहाँ गाड़ियाँ चल रही वहाँ दिख रहा है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही थोड़ा सा गैपिंग है, वहाँ पर ज्यादा दिख नहीं रहा है। उधर दोपहर तक कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों ने अलाव का सहारा लिया। वहीं गोरखपुर में कोहरे का प्रभाव बढ़ते ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। खासकर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर कोहरे का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी पखवाड़े तक मौसम के मिजाज में परिवर्तन होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। प्रदेश की कई जिलों में अभी शीतलहर और गलन लोगों को परेशान करेगी, घना कोहरा बने रहने की संभावना है, इसलिए सर्दी के मौसम को देखते हुए अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख्याल जरूर रखें और स्वस्थ रहें। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।